हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते ताप, सत श्री अकाल और नमस्कार माय ऑल मराठी फ्रेंड्स, और आप सबको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। महाराष्ट्र में आज के दिन न्यू ईयर है और न्यू ईयर मनाया जाता है और उसमें गुड़ी पाड़वा का एक फेस्टिवल होता है, उसी पे हम लोग आज वीडियो देखने वाले हैं। मुझे आज ही पता लगा कि न्यू ईयर है आपके यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। और हम लोग आज की स्पेशल डे पे एक स्पेशल वीडियो देखने वाले हैं, जो कि वीडियो होने वाली है तारिक मेहता का उल्टा चश्मा, और उसमें गुड़ी पाड़वा मनाया जाएगा और हम लोग वो देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझे ये वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा मजा आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आता शेयर जरूर कीजिएगा, फिर देखते हैं आज की वीडियो। तो वैसे ये सरप्राइज देने का आइडिया था किसका? पीड़े भाई, पोपट भाई। पोपट भाई? अरे नहीं 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 अजी भाभी, मैंने अकेले ना थोड़ी दी है, टप्पू सेना ने भी मेरी मदद की है, हम सबने मिलकर ये सरप्राइज दी। अरे नहीं नहीं पोपट अंकल, ये सरप्राइज का आइडिया तो आपका ही था ना? हाँ हाँ मेरा आइडिया था, लेकिन आप लोगों की मदद के बिना कुछ हो ही नहीं पाता। और सॉरी हाँ भिड़क, मैंने तेरी परमिशन नहीं ली। अरे क्या है ना, तेरी परमिशन लेते तो तुझे सरप्राइज देते। हाँ अरे, और इस बार होली में मैंने आप सबको बहुत सताया था, तो मेरी इच्छा थी कि किसी बड़े त्योहार के दिन आप सबको खुश करूँ। वाह जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं ऐसे थैंक यू नहीं, मैं आप परम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस यादगार सरप्राइज के लिए पोपटलाल तुम्हारे साथ साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और सबको गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला नया साल हम सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए सुख शांति समृद्धि भरा रहे। सबके लिए। वाह, सबको प्रसाद बेटा। नीम के पत्ते? बोया सिर्फ नीम के पत्ते नहीं है उसमें, उसमें साथ साथ गुड़, कोबरा, धनिया, इमली वो सब मिला हुआ है। दरअसल नीम के पत्ते हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली नीम के पत्ते खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब गोली को आते पैके जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर बोला जेठालाल, वो तो सही बात है, ये बहुत फेमस है नीम के पत्ते है उसमें। जेठालाल मैं तो रोज लेता हूँ 365 दिन। मराठी स्टाइल की ये जो साड़ी है बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है मुझे, मतलब बहुत अच्छी लगती है। अलग अलग आप सबके साथ गुड़ी पड़ाव मनाने का बहुत बहुत मजा आ गया। मजा तो अब आएगा पिड़ो, अभी तो नाचना शुरू होगा, जश्न मनेगा। ओए इतने प्यार से ये टोल वालों को बुलाया है, तो इनको बोलो टोल बजाना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल टप्पू सेना, हो जाओ शुरू। बजाओ बजाओ, इतना जोर से बजाओ कि हर घर में गुड़ी पड़वा की गूंज सुनाए। डोल पटक मराठी स्टाइल में डांस भी हो रहा है। बहुत ही यूनिक स्टाइल है, मतलब फीमेल की जो ड्रेसिंग है ये मराठी में, महाराष्ट्र में बहुत डिफरेंट स्टाइल होता है इनका, सबसे अलग मुझे लगता है। वैसे तो साउथ में भी अलग होता है। सब लोग मिलके मना रहे हैं, ये चीज काफी अच्छी लग रही है। गुड़ाचा गोड़वा, कड़ू कड़ू लिंबाला।
तो भगवा, डोला ने फड़क तो भगवा, आला रे आला रे आला गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, नक्शेदार रंगोली संगेदारी तोरण चढ़वा, आला रे आला रे आला, आला रे आला रे आला, आला रे आला रे आला। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो और इस शो के साथ गुड़ी पाड़वा का मतलब देखने का और भी ज़्यादा मज़ा आया। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसकी ये लगी कि पूरी सोसाइटी जितनी भी है, बेशक उसमें होता है ना कि अलग अलग होता है रिलीजन को मानने वाले लोग, तो उसमें पंजाबी भी थे और उसमें और भी थे कितने ज़्यादा, मुझे जो पंजाबी थे उनकी समझ में आई और जितने भी थे उनका उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं लगा, बट मुझे दिख रहा था कि अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने सबने मिलके वो जो एक फेस्टिवल था वो मनाया। और ये नहीं है कि हम लोग मतलब कि मुस्लिम हैं या फिर हम लोग पंजाबी हैं तो हम लोग सिर्फ पंजाबी फेस्टिवल्स ही मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत प्यार से, और यही मुझे लगता है कि इस शो की सबसे बड़ी खासियत है, इसकी वजह से इसकी एक अलग ही फैन बेस है और लोग इतना ज़्यादा शो को देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी और सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इनका वो जो होता है ना एक फनी वे है इनका एक अलग से, और उसमें ये वीडियो बनाते हैं और सब लोग अलग अलग स्टाइल से बोलते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ना फेमस है शो की। अगर आप लोगों को शो के और भी सीन्स वगैरह देखने अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैं वीडियो ढूंढ रही थी आज के लिए और उसमें मुझे ये वीडियो मिली और मुझे लगा कि क्यों ना मैं देखूं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये वीडियो देखने का और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा है। ये वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि सब लोग मिलके पूरे त्यौहार जो भी होते हैं सब लोग मिलके मनाते हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और बहुत ज़्यादा दूसरों की खुशियों में खुश हो जाएं आप तो इससे बड़ी बात हो, और ये चीज़ हम लोगों को मुझे लगता है और ज़्यादा जोड़ती है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी देख के अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर कीजिए। मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ में, और मैंने आज जितनी वीडियोज़ की अपलोड की हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई लव यू ऑल।